हेलो एवरीवन, एक और नई वैकेंसी आई है बीएड स्टूडेंट्स के लिए, जहां सीटेट जो है वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। यदि आपके पास सीटेट नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल शिक्षक भर्ती 2023-24 के लिए ऑल सब्जेक्ट की वैकेंसी आई है। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, इसके अलावा जो है और भी कई पोस्ट हैं, जैसे लाइब्रेरियन की पोस्ट है, ठीक है, और बाकी जो पोस्ट है वो हम नोटिफिकेशन में चेक करेंगे। सैलरी जो है आप लोगों को यहाँ 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग दी जाएगी। कोई एग्जाम नहीं होगा आप लोगों का, फीस भी नहीं ली जाएगी। यहाँ पर एक इंटरव्यू रहेगा, आप लोगों को बस इंटरव्यू के लिए अपने सब्जेक्ट से संबंधित एक टॉपिक जो है वो रेडी करके ले जाना है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मेन वेबसाइट पर हम चलेंगे। ये जो वैकेंसी है ये न्यूज़पेपर में भी जो है पब्लिश हुई है, बट मेन वेबसाइट पर जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाता है तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना देती हूँ। दिल्ली पब्लिक स्कूल आर एन एक्सटेंशन, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की ये वैकेंसी रहने वाली है। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है आप देखें, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए सभी सब्जेक्ट देखेंगे आपको, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फाइन आर्ट एंड पेंटिंग। नेक्स्ट ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए जो है इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, साइंस, कंप्यूटर साइंस, फ्रेंच, जर्मन, डांस, म्यूजिक, आर्ट, योगा, फिजिकल एजुकेशन। प्राइमरी टीचर्स की जो है इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, डांस, म्यूजिक, आर्ट, योगा, फिजिकल एजुकेशन एंड जनरल टीचर्स की। नेक्स्ट जो है वो लाइब्रेरियन में प्राइमरी टीचर्स की और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स दोनों की है वैकेंसी यहाँ पर, ठीक है। तो मास्टर डिग्री जो है आपकी लाइब्रेरी साइंस में होनी चाहिए और 3 साल का जो है एक्सपीरियंस यहां पर कहा गया है। नेक्स्ट जो है आईटी की वैकेंसी है, तो ग्रेजुएशन यहां पर मांगी गई है। अकाउंटेंट की वैकेंसी में बीकॉम, एमकॉम स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट की है, तो ग्रेजुएट विद गुड टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, और जो है एमएस ऑफिस की आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट होंगे तो उनको जो शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा और उसके बाद इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। सैलरी यहाँ पर लिखे है डीपीएस सोसाइटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, यानी 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग काफी अच्छी सैलरी आप लोगों को मिलने वाली है। यहाँ 35,000 से लेकर 80,000 तक पीजीटी तक जो है सैलरी रहेगी। एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा, तो क्लिक हियर, यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। उसके बाद और चीजें देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट जो है यहाँ पर क्या चाहिए, तो पीआरटी टीचर्स के लिए यहाँ पर 12th नहीं बल्कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है, बीएड मांगा गया है, और साथ में जो है 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस विद रिप्यूटेड स्कूल, ठीक है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए भी जो है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, जिस सब्जेक्ट के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म डालना चाहते हैं तो उसमें आपने किया हो, बीएड चाहिए और 4-5 साल का जो है टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में जो है बीएड और 4-5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस विद रिप्यूटेड स्कूल्स। लास्ट वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत अच्छे जो स्कूल्स होते हैं तो उसमें जब जॉब निकलती है तो एक्सपीरियंस जो है वहाँ पर मांगा ही जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जो है जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो यही मेरा जो है वो हमेशा कहना होता है कि जैसे ही वैकेंसी निकलती है बहुत अच्छे स्कूल्स में और जहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता है, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप लोगों को करना चाहिए। पिछले वीडियोज़ आप देखिएगा, बहुत सारी वैकेंसी निकाली गई हैं पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी लेवल पर काफ़ी सब्जेक्ट की। तो यदि आप फॉर्म भर सकते हैं तो बिल्कुल भरिए, आपके नज़दीक है, आप जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट हैं और आपके सब्जेक्ट में जो है वो बिल्कुल आपकी कमांड बहुत अच्छी हो जाती है अगर आप स्कूल्स में पढ़ाते हैं। रिक्वायर्ड स्किल्स में जो है वो मांगा ही जाता है कि यहाँ पर जो है कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छा होना चाहिए, आपके सब्जेक्ट में कमांड अच्छी होनी चाहिए, आप जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ाना जानते हो, ठीक है। क्योंकि ऐसे स्कूल्स में जो है काफ़ी टाइम तक टीचर्स जो है वो बिल्कुल रहते हैं, अगर उनकी उस सब्जेक्ट में कमांड अच्छी होती है तो अच्छे टीचर्स को वहाँ से जाने नहीं दिया जाता है। उसके बाद जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर जो है वो क्लिक करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने जो है एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, इसे आप लोगों को फिल करना है, अपनी पर्सनल डिटेल, एड्रेस वगैरह, क्वालिफिकेशन सब जो है फिल करके और यहाँ पर जो है अपलोड रिज्यूम कर देंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में सबमिट करना है और ईमेल जो एड्रेस रहेगा जिस पर आप लोगों, क्योंकि ऑनलाइन ही जो है आप लोगों को ये सेंड करना होगा, तो ईमेल एड्रेस जो है रहेगा www.dpsrnext.com। 10 दिन के अंदर जो है सेंड कर देना है, ठीक है। यानी लास्ट डेट जो है इसकी रहेगी वो आप ध्यान में रखें, 28 अक्टूबर जो है वो लास्ट डेट रहने वाली है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।